जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन द सक्सेस सीकर्स एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा नंबर लाइन को समझेंगे। क्या होती है हमारी नंबर लाइन? नंबर लाइन बेसिकली हमारी एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और थोड़ा सा जानते हैं नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन के राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में जो आपके एरो बने हुए होते हैं, इनका मतलब होता है एंडलेसली, यानी कि जितने भी नंबर आपने नंबर लाइन के ऊपर लिखे हुए हैं, इनका कोई भी एंड नहीं होता। ये इस साइड में भी इनफाइनाइट की ओर बढ़ते हुए जाते हैं और नेगेटिव साइड में भी इनफाइनाइट की ओर बढ़ते हुए जाते हैं। एक बात का आपको नंबर लाइन बनाते टाइम पे और ध्यान रखना होता है कि जितने भी नंबर आप इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो इक्वली गैप के बाद आपको लिखने होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटर मोस्ट पॉइंट पर जीरो को लिया, जीरो के बाद मैंने 1, 2, 3, 4, 5 जिस तरीके से मैंने नंबर्स को लिखा है, वो आपके एकदम इक्वल गैप के बाद लाई करने चाहिए। और एक बात का आपको पता होना चाहिए कि जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं, वो सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं, वो सभी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, लोकेट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है? अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसके सॉल्यूशन पार्ट को हमने दो स्टेप में डिवाइड किया। सबसे पहले स्टेप में हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसी के साथ में हमने क्या किया, एक स्क्वायर को एज्यूम किया, एबीसीडी स्क्वायर को एज्यूम किया, और एबीसीडी स्क्वायर के अंदर मैंने एक डायगोनल को भी यहां पर ड्रॉ किया जो कि हमारा था एसी। और जैसे ही मैं इस स्क्वायर के अंदर डायगोनल एसी को ड्रॉ कर दूंगा, ये जो हमारा स्क्वायर था वो दो इक्वल राइट ट्राइंगल्स में मेरा डिवाइड हो जाएगा। और दो राइट ट्रायंगल में डिवाइड जैसे ही हमारा ये हो गया, उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काम है एबीसी, राइट ट्रायंगल एबीसी से। तो अब मेरी बारी आती है यहाँ पर एबी और बीसी की जो लेंथ है वो कुछ एज्यूम करने की। तो अब मुझे क्या करना है, एबी और बीसी की लेंथ को कुछ यहाँ पर एज्यूम करना है। और मैं एज्यूम इस तरीके से करूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में इस ट्राइंगल के अंदर मेरी जो साइड एसी यानी कि जो हाइपोटेन्यूस है वो अंडर रूट 2 निकल के आ जाए। तो अगर मैं यहां पर एबी को लेता हूं 1 यूनिट और बीसी को भी लेता हूं 1 यूनिट, और इस ट्राइंगल के अंदर जब मैं पाइथागोरस थ्योरम पुट कर दूंगा, तो मेरा जो हाइपोटेन्यूस होगा वो मेरा निकल के आ जाएगा यहां पर अंडर रूट 2। जैसे कि मैं करता हूं यहाँ पर 1+1, यानी कि मेरा जो हाइपोटेन्यूस था वो अंडर रूट 2 निकल के आ चुका है। और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर मुझे जो भी काम यहाँ पर पढ़ने वाला है वो इस एसी यानी कि जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड थी उसी से काम आने वाला है। नेक्स्ट इस स्टेप में हम इतना ही करते हैं, केवल आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए और हाइपोटेन्यूस को आपको माइंड में रख लेना है कि आपको जो भी नंबर रिप्रेजेंट करना है उतना हाइपोटेन्यूस आपको बनाना ही है। जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन में अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना था, तो मुझे यहाँ पर ऐसी लेंथ लेके चलनी पड़ेगी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में मेरी जो हाइपोटेन्यूस यानी कि जो साइड एसी थी वो अंडर रूट 2 निकल के आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी हाइपोटेन्यूस निकल के आई थी इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो मैंने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद में जो मेरा सेंटर मोस्ट पार्ट था इसका ओ 0, जिसको मैंने ए नाम यहां पर दिया हुआ है, ए से लेके 1 तक मैंने बी तक मैंने 1 यूनिट का गैप लिया है। और बी आपको थोड़ा स्टेप्स को अच्छे से समझना होगा क्योंकि यही हमारा मेन स्टेप है इस क्वेश्चन का। तो बी के बाद में इस स्टेप के बाद में मुझे क्या करना है, बी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसकी आपकी लेंथ होने वाली है 1 यूनिट, यानी कि आपने ए बी को भी 1 यूनिट लिया और बी सी को भी 1 यूनिट लिया। जैसा कि आप लोगों ने अभी ऊपर सॉल्व किया था कि जब आप बेस और परपेंडिकुलर को 1-1 यूनिट लेते हो तो आपकी हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 2 निकल के आती है। सेम इसी तरीके से मेरे को यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल जो दिख रहा है एबीसी, उसके अंदर मैंने बेस और परपेंडिकुलर को अगर 1 यूनिट लिया,
तो मेरी जो साइड एसी है यानी कि जो मेरी हाइपोटेन्यूस है वो मेरी यहाँ पर निकल के आने वाली है अंडर रूट टू। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। इसके बाद जो भी कुछ आप करोगे वो करोगे कंपास से। कंपास से क्या करना है आपको, जो लेंथ आपकी एसी यहां पर निकल के आई थी उस एसी को आपको अपनी कंपास के अंदर फिल कर लेना है। तो मैंने इसके टिप पॉइंट को रखा ए पर और इसके पेंसिल पॉइंट को मैंने रखा सी पर। मैंने देखा कि ये मेरी रेडियस इसके अंदर फिल हो चुकी है। फिल होने के बाद में आपको ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए इस नंबर लाइन के ऊपर एक आपको आर्क लगा देनी है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक आर्क लगा दी तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट मिला नंबर लाइन के ऊपर, जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया ई। जैसे कि मैंने इसको ई नाम यहाँ पर दिया है और जो मेरा यहाँ पर ई पॉइंट होगा वही मेरा होगा अंडर रूट टू। यानी कि जो आपकी ए से लेकर E तक की डिस्टेंस जो होगी वही हमारी क्या होगी अंडर रूट टू। ये जो आपकी AE है यही हमारी होगी अंडर रूट टू। तो अंडर रूट टू आपका रिप्रेजेंट होके आ चुका है AE पॉइंट। इसको हम लिखना चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं अंडर रूट टू। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमको रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट थ्री को नंबर लाइन के ऊपर। तो सेम जो स्टेप्स हमने अभी यहाँ पर फॉलो किए थे उन्हीं को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अंडर रूट थ्री को भी रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यू कैन लोकेट अंडर रूट एन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर आफ्टर अंडर रूट एन माइनस वन हैज बीन लोकेटेड। इसका मतलब ये कि आप किसी भी एक इंटीजर को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर तभी कर सकते हो जब आपने उस नंबर से एक कम नंबर को रिप्रेजेंट पहले किया हुआ है। जैसे कि मैं बात करता हूं, मुझे यहां पर अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर आपने पहले से अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट किया हुआ होगा तभी आप सिर्फ अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से अगर मुझे अंडर रूट सेवन को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे पहले अंडर रूट सिक्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अंडर रूट नाइन को करना है तो अंडर रूट मेरे को एट को पहले करना पड़ेगा। अंडर रूट थर्टीन को करना है, अंडर रूट ट्वेल्व को मुझे पहले करना पड़ेगा। एक नंबर कम आपको नंबर को पहले रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है, तो इससे पहले मुझे अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और स्टेप्स अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट करने के हमने अभी इस क्वेश्चन के अंदर देखे। तो अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प ली और एक स्क्वायर को एज्यूम किया। स्क्वायर को एज्यूम करने के बाद में अब आपको पता लग गया होगा कि आपको यहाँ पर जो साइड्स थी वो कितना लेके चलनी पड़ेंगी, वन यूनिट, और ये भी आपकी वन यूनिट। जैसे ही आप इनको वन वन यूनिट के इक्वल लेते हो तो जो आपकी साइड एसी यहाँ पर है वो आपकी निकल के आ जाएगी अंडर रूट टू। ये हम पहले क्वेश्चन में जस्ट अभी कर चुके हैं। तो आपकी एसी जो साइड थी वो आपकी निकल के आ चुकी है अंडर रूट टू यूनिट। लेकिन अभी हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना था अंडर रूट थ्री को। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, पॉइंट सी से एसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूं जिसका नाम है ईसी, और इसकी जो हमारी लेंथ है वो हमें ऐसी लेके चलनी है कि आपकी जो हाइपोटेन्यूस AE वाली जो साइड है वो आपकी अंडर रूट थ्री निकल के आ जाए पाइथागोरस थ्योरम पुट करने के बाद में। तो मैं यहां पर लेके चलता हूं, मैंने बेस को देखा अंडर रूट टू टू था, और अगर मैं इसको वन यूनिट लेके चल देता हूं ईसी वाली साइड को तो पाइथागोरस थ्योरम में पुट करने के बाद में जो मेरी हाइपोटेन्यूस साइड थी वो मेरा अंडर रूट थ्री निकल के आ जाएगी। एक बार चेक करते हैं किस तरीके से। जैसे कि मैंने यहां पर बेस को लिया अंडर रूट टू तो ये अंडर रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर को लिया मैंने वन तो ये वन का स्क्वायर, अंडर रूट टू का स्क्वायर हमारा टू रहने वाला है और इसका वन, तो मेरी जो हाइपोटेन्यूस थी वो टू प्लस वन थ्री के इक्वल निकल के आ जाएगी। यानी कि मुझे, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमें सिर्फ यहाँ पर जो काम होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस वाली साइड से। हाइपोटेन्यूस से हमें काम होता है क्योंकि इसी की लेंथ को हम कंपास में फिल करने के बाद में अपने जो हमें फाइंड करना था नंबर, इरेशनल नंबर, उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो मुझे यहाँ पर काम है अंडर रूट थ्री से, तो मैंने अंडर रूट थ्री को निकाल दिया। पहले स्टेप में हमने केवल कितना किया, हाइपोटेन्यूस को अंडर रूट थ्री निकाला। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सेम जैसे कि हमने अंडर रूट टू को यहां पर निकाला था, अंडर रूट टू को रिप्रेजेंट किया था, उसी तरीके से यहां पर भी हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने ए पॉइंट लिया ओरिजिन पे जीरो पर, और इसके बाद मैंने यहां पर
वन यूनिट लेके चला मैं एबी वाली लेंथ, एबी वाली साइड को, और बीसी को भी अगर मैंने वन यूनिट लिया, तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर इसी क्वेश्चन को हमने देखा था, वन वन यूनिट जब हम लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज हमारा निकल के आता है अंडर रूट टू। फिर मैंने क्या किया, अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इतना तो हम पहले पार्ट में कर चुके थे, अब काम हमारा सिर्फ यहाँ पर इतने क्वेश्चन से है। ये हमारा यहाँ पर ट्राइंगल बन के आ रहा है, और ट्राइंगल हमारा जब भी बन के आ रहा है तो इस ट्राइंगल के अंदर जब हम देखेंगे ए सी ई ट्राइंगल के अंदर, तो ए सी ई ट्राइंगल के अंदर हमको क्या दिखाई देता है, आपकी जो साइड यहां पर बेस वाली जो साइड है वो है हमारी अंडर रूट टू। अब अंडर रूट टू में मैंने ऊपर जब इसको सॉल्व किया था तो इस साइड को ईसी को मैंने परपेंडिकुलर को लिया था वन, अगर मैं इसको अंडर रूट टू और परपेंडिकुलर को वन लेता हूं तो मेरी यहां पर हाइपोटेन्यूस निकल के आएगी अंडर रूट थ्री। बस अब हमारा यहां पर काम हो चुका है, अब हम क्या करने वाले हैं, जो अंडर रूट थ्री वाली साइड यानी कि जो ए साइड हमारी निकल के आई है इसको हम कंपास के अंदर फिल करने वाले हैं। तो कंपास के अंदर फिल कर लेते हैं इस साइड को हम, ये हमारी लेंथ इधर फिल होके आ चुकी है, और जैसे ही लेंथ फिल होके हमारी आ जाएगी तो हम क्या करने वाले हैं, ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए नंबर लाइन के ऊपर हम एक आर्क लगा देंगे, एक कट लगा देंगे, और हमें एक पॉइंट यहां पर हमें मिलके आ जाएगा जिसको हम नाम दे देते हैं एफ। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एफ। तो ए से लेकर एफ तक की मेरी जो डिस्टेंस यहां पर होगी वही मेरी कहलाएगी अंडर रूट थ्री। ए से लेकर मेरी जो एफ तक की डिस्टेंस होने वाली है वही मेरी कहलाएगी अंडर रूट थ्री। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट थ्री। आपको माइंड में रखना है कि आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसे एक उससे जस्ट कम नंबर को आपको पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने नोट पॉइंट में यहां पर लिखा हुआ है, किसी भी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उससे एक कम नंबर को पहले आपको रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि हमें यहाँ पर रूट थ्री को करना था तो हमने पहले रूट टू को किया, उसके बाद में रूट थ्री को किया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। थैंक यू।